Hey guys, welcome back to the video. दोस्तों MIUI 14 अब रेडी है Android 13 के साथ आपके डिवाइस में अपडेट के रूप में आने के लिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं इसी अपडेट के बारे में कि आखिर ये अपडेट आपके Redmi Note 10 Pro डिवाइस में कब से ये अपडेट देखने को मिलेगा और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो इसको बहुत ज्यादा खास बनाती है। तो वीडियो में अब तक बने रहिएगा और मेक श्योर दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक तो जरूर कर देना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ। आज हम लोग बात करने वाले हैं इसी MIUI 14 के बारे में। दोस्तों इस MIUI 14 के बारे में बात करें तो ये MIUI 14 बहुत ही ज्यादा कस्टमाइजेबल होने वाला है। दोस्तों यहां पे इसके फीचर्स इतने सारे तगड़े-तगड़े नए-नए आ रहे हैं कि जिनके फोन में अपडेट नहीं आएगा ना तो आप लोग बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस मिस करने वाले हो MIUI की तरफ से। दोस्तों MIUI कस्टमाइजेशन के नाम पे बहुत ही तगड़ा इनोवेशन करता है, लेकिन दोस्तों यहां पे MIUI 14 जो आ रहा है ना वो कस्टमाइजेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है। यहां पे MIUI 14 में आपको सबसे पहली बात तो ये Android 13 के साथ देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहां पे Android 13 का अपडेट इसमें मिलने वाला है, यानी कि ये मोस्ट सिक्योर अपडेट होने वाला है MIUI के इतिहास का। बात कर ले यहां पे इसके कुछ मेन फीचर्स के बारे में, तो यहां पे सबसे पहली बात कि आपके फोन के आइकन्स बदलने वाले हैं और यहां पे कंट्रोल सेंटर भी रीडिजाइंड हो रहा है। मतलब यहां पे ओल्ड कंट्रोल सेंटर की जगह आपको न्यू कंट्रोल सेंटर टाइप देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहां पे थर्ड थिंग जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी था कि यहां पे आप MIUI में प्री इंस्टॉल्ड ऐप को भी अनइंस्टॉल कर सकते हो, जस्ट लाइक गैलरी, मैसेंजर। दोस्तों जो जो भी एप्स पहले अनइंस्टॉल नहीं होते थे वो भी अब अनइंस्टॉल हो जाएंगे। ये बहुत ही तगड़ा सा कस्टमाइजेशन है, ये सभी स्मार्टफोन में जरूर होना चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहां पे कुछ और फीचर्स के बारे में। तो यहां पे आपका कैलकुलेटर को भी न्यू डिजाइन किया गया है, यहां पे आपके सेटिंग्स के मेनू को भी न्यू डिजाइन किया गया है, यहां पे आपका कैमरा परफॉर्मेंस को बूस्ट किया गया है, बैटरी परफॉर्मेंस को बूस्ट किया गया है, यहां पे जो यूजर एक्सपीरियंस है ना उसको मतलब बहुत ही अलग ही नेक्स्ट लेवल पे लेके गया है। ये सारी चीजें इस अपडेट को बहुत ही ज्यादा तगड़ा बनाता है। तो यहां पे ये अपडेट डेफिनेटली बहुत ही एक तगड़ा अपडेट होने वाला है MIUI की तरफ से। अपडेट Redmi Note 10 Pro डिवाइस के लिए कब से देखने को मिलेगा, उसका जो है बिल्ड टेस्टिंग चल रहा है। अब बिल्ड टेस्टिंग ये दोस्तों कि यहां पे ये अपडेट अभी बन ही रहा है, ठीक है, ये अपडेट पूरी तरीके से बन के रेडी हुआ नहीं है, इसमें बहुत सारे कस्टमाइजेशन अभी भी बाकी है। दोस्तों ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस अपडेट का जो यहां पे बिल्डिंग चल रहा है, इस अपडेट का जो बनाने का काम चल रहा है वो फाइनल लास्ट स्टेज पे है। अब ये पूरा हो चुका है, मतलब अब आपको ये अपडेट जो है बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा बीटा टेस्टिंग में। दोस्तों ये अपडेट सबसे पहले इंडिया में देखने को मिलेगा Xiaomi 12 वाले डिवाइसेस में, उसके बाद Xiaomi 11, तो उसके बाद यहां पे नंबर आने वाला Redmi Note 10 Pro डिवाइस का। यहां पे Redmi Note 10 Pro डिवाइस में इस अपडेट के बारे में बात करूं तो ये अपडेट सीधे आपको फरवरी के सेकंड वीक से मिलने वाला है। अभी अगर कोई भी आपको बंदा बताता है कि इस अपडेट को आप ऐसे इंस्टॉल करके ऐसे यूज कर सकते हो, ऐसे यूज कर सकते हो, बिल्कुल भी मत करना। अभी वो सारी चीजें आपके फोन को बग से भर देंगी। अगर आपको एक अच्छा सा अपडेट चाहिए, कंपनी की तरफ से अपडेट चाहिए, तो आप लोग जो है फरवरी तक इंतजार करो, आप लोग का डेफिनेटली एक तगड़ा सा अपडेट मिलने वाला है। तो यहां पे अगर आप लोग को Redmi Note 10 Pro के अलावा कोई और डिवाइस है तो नीचे में कमेंट जरूर करना, मैं आपको बताऊंगा कि वो एलिजिबल है या नहीं इस अपडेट के लिए और ये अपडेट आपको कब से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों डेफिनेटली है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो यार प्लीज लाइक करना, ढेर सारा शेयर करना, चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।